नमस्कार, खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार तरक्की की राह पर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर वर्ग के लोगों का खास ख्याल रखते हुए प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो प्रदेश के हित में लिए गए हैं। फिर चाहे वो किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हो, रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे हो, व्यापार से जुड़े हुए या फिर खिलाड़ियों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं, समझाते हैं कि सीएम सैनी ने राज्य के युवाओं, किसानों और व्यापारियों को क्या कुछ खास सौगात दिए। ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार ने 3 जिलों में अंबाला, हिसार और फतेहाबाद में सीवरेज और पेयजल आपूर्ति सिस्टम को लेकर एक्टिव मोड में है। सीवरेज सिस्टम सुधार के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5 परियोजनाओं के लिए 340 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें अंबाला जिले के लिए परियोजना पर 166 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें नगर निगम क्षेत्र में शामिल किए गए 11 गाँवों में सीवरेज नेटवर्क का विस्तार, नया गांव में मौजूदा स्थल पर 1.25 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, कंबाला गांव के लिए 1.40 MLD STP और अंबाला शहर के देवी नगर में अंबाला ट्रेन के लिए 50 MLD STP का निर्माण शामिल है। हरियाणा के पानीपत में मुख्यमंत्री ने लगभग 227 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 32 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 36 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और लगभग 191 करोड़ रुपए की लागत की 12 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य के लिए 10 करोड़ रुपए और पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी करने की घोषणा की है। नायब सैनी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश और प्रदेश के भौतिक विकास का पैमाना माना जाता है। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक अहम निर्णय लिया है, जिसमें किसानों को धान की सीधी बिजाई पर 4,000 की वित्तीय सहायता मिलेगी। इच्छुक किसान मेरी फसल मेरा व्यवरा पोर्टल की वेबसाइट पर इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम का लाभ लेने के लिए किसान मेरी फसल मेरा व्यवरा पोर्टल पर धान की सीधी बिजाई का पंजीकरण 10 जुलाई तक करवा सकते हैं। हरियाणा सरकार पिछले साल की तरह इस साल भी धान की सीधी बिजाई पर 4,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही है। हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं कायम की है जिसमें हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया जा रहा है और प्रदेश के विकास को नए आयाम दिए जा रहे हैं। किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए ट्रांसमिशन परियोजना के तहत नए मुआवजा नीति भी शुरू की गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसान को बड़ा तोहफा दिया है। ट्रांसमिशन परियोजनाओं से प्रभावित भूमि मालिकों के उचित मुआवजे देने के लिए एक नई मुआवजा नीति की शुरुआत की गई है। परियोजना से भूमि मालिक विशेष रूप से किसानों और ट्रांसमिशन यूटिलिटीज के बीच प्रावधान की मंजूरी दे दी गई है। भूमि अधिग्रहण के बिना भूमि मूल्य के 200% की दर पर टावर बेस एरिया का मुआवजा दिया जाएगा। दरअसल पिछली नीति में टावर बेस एरिया के लिए मुआवजा भूमि मूल्य के 100% की दर पर निर्धारित किया गया था। नई नीति से किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में पर्याप्त वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री सैनी ने सीएम आवास संत कबीर कुटीर में जनता की समस्याएं सुनी।
इतना ही नहीं, सीएम सैनी ने जनता की समस्याओं को सुना और समस्या से संबंधित अधिकारियों को समाधान के लिए उचित दिशा निर्देश भी दिए। सीएम सैनी ने कहा कि हर परिवार जन को सीधा संपर्क मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर के दरवाजे आप सभी के लिए 24 घंटे खुले हैं। आपकी सेवा करना ही मेरा परम कर्तव्य है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक बने, देश की आर्थिक ताकत को मजबूत करने के लिए मिशन मोड पर काम किया। हरियाणा की सैनी सरकार शहीद जवानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिसमें घोषणा करते हुए 1 करोड़ रुपए की राशि और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शहीद हुए जींद के जाजन वाला गांव के लांस नायक प्रदीप जैन के आश्रितों के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1 करोड़ रुपए की राशि और अनुकंपा आधार के तहत एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कुलगाम में आतंकियों से लोहा लेते हुए प्रदीप नैन शहीद हो गए थे। शहीद जवान को अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर वहां मौजूद हर एक व्यक्ति के आंखों में आंसू रहे और सभी ने नम आंखों से शहीद प्रदीप नैन को श्रद्धांजलि दी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।